दुनिया के अंत को लेकर आए दिन चर्चा होती है। कोई कहता है कि एक दिन एलियंस धरती पर हमला कर देंगे और दुनिया खत्म हो जाएगी। कोई कहता है कि सुनामी आने से ऐसा होगा। इसे लेकर तमाम फिल्में बन चुकी हैं। वैज्ञानिक डूम्सडे क्लॉक के जरिए भी वक्त वक्त पर चेतावनी देते हैं। कहते हैं कि दुनिया विनाश के बेहद करीब है। जनवरी 2022 में एक खबर आई थी कि दुनिया तबाही से महज 100 सेकंड दूर है। अब 3 साल में पहली बार कहा जा रहा है कि दुनिया तबाही से 90 सेकंड दूर है। इसके पीछे का कारण यूक्रेन युद्ध को माना जा रहा है। इस घड़ी का काम ये बताना है कि हम मानव निर्मित आपदा के कितना करीब हैं। आज हम उन 10 संभावित कारणों के बारे में आपको बताएंगे जिनके कारण दुनिया के अंत की आशंका जताई जाती है। इससे पहले डूम्सडे क्लॉक के बारे में जान लेते हैं। ये एक प्रतीकात्मक घड़ी है जो मानवीय गतिविधियों के कारण वैश्विक तबाही की संभावना के बारे में बताती है। इसमें आधी रात के 12 बजे के सबसे बड़े खतरे के संकेत के तौर पर देखा जाता है। वैज्ञानिकों ने 1945 में जापान पर परमाणु हमला होने के बाद मानव जनित खतरों के बारे में दुनिया को चेतावनी देने के लिए घड़ी बनाई थी। इसमें रात के 12 बजे के वक्त का मतलब है दुनिया का अंत बेहद करीब है। ये परमाणु युद्ध और जलवायु संकट के खतरे का संकेत देती है। वैज्ञानिक इस घड़ी के जरिए 1947 से बता रहे हैं कि दुनिया तबाही से कितनी दूर है। चलिए अब जानते हैं उन 10 कारणों को जिनके चलते दुनिया का अंत होने की बात कही जाती है। विशाल उल्कापिंड। डायनासोर के अंत का कारण बना उल्कापिंड धरती का अंत कर सकता है। उल्कापिंड समुद्र में आकर गिरा था, जिसे आज मैक्सिको की खाड़ी कहा जाता है। इससे भीषण सुनामी आई। इसमें बड़ी मात्रा में धूल के बादल बने, जिससे जलवायु परिवर्तन की गति को बढ़ा दिया। किलर रोबोट्स। हाल के वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स का तेजी से विकास हुआ है। इसे लेकर हमेशा से बहस चल रही है। इस तकनीक से इंसान को ज्यादा फायदा हो रहा है या ये उसके लिए बड़ा खतरा है। विशेषज्ञ इसे बड़े खतरे के तौर पर भी देखते हैं। सुपर वॉल्केनो। सुपर वॉल्केनो उस ज्वालामुखियों को कहते हैं जो VEI यानी कि वॉल्केनिक एक्सप्लोजिविटी इंडेक्स में बताए गए हैं। ये इंडेक्स अब तक के रिकॉर्ड की गई सबसे अधिक संख्या है। सुपर वॉल्केनो स्थानीय अस्तित्व पर होने वाले सबसे बड़े प्राकृतिक खतरों में से एक है। एलियंस को लेकर भी दुनिया भर में चर्चा कुछ कम नहीं है। तमाम विशेषज्ञों का ऐसा कहना है कि असल खतरा तब होगा जब दूसरे दुनिया के लोग पृथ्वी तक पहुंच जाएंगे। इनके पास इतनी एडवांस तकनीक है कि हम इंसान अपना बचाव नहीं कर सकेंगे। सूरज। पृथ्वी ग्रह का खात्मा उसी चीज से हो सकता है जिस पर उसका अस्तित्व टिका हो। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर सूर्य का ईंधन खत्म हो जाएगा तो न केवल धरती बल्कि बुध और शुक्र को भी निकल लेगा। हालांकि ऐसा अगले 5 बिलियन साल में नहीं होने वाला है। चुंबकीय क्षेत्र। ऐतिहासिक रूप से धरती के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव हर साल 2 लाख से 3 लाख साल में खिसकते हैं। ऐसा अनुमान है कि आखिरी बार ऐसा 7,80,000 साल पहले हो चुका है। इसके बाद से विशेषज्ञों का मानना है कि दोबारा भी ऐसा हो सकता है। अगर यह क्षेत्र पूरी तरह पलट जाता है तो धरती का चुंबकीय क्षेत्र बेहद कमजोर या पूरी तरह खत्म हो जाएगा। महामारी। दुनिया हाल ही में कोरोना वायरस जैसी गंभीर महामारी से जैसे तैसे बची है। वायरस के आने के बाद से ही इसके खिलाफ काम करने वाली वैक्सीन को बनाए जाने का काम शुरू हो गया है। वैज्ञानिकों का मानना था कि एक और महामारी धरती पर बचे इंसानों का खात्मा कर सकती है। वायरस की वजह से दुनिया में करीब 20 मिलियन लोगों की मौत हुई थी। ब्लैक होल्स। ये वो चीज है जो सब कुछ निगल लेती है, चाहे फिर वो रोशनी ही क्यों ना हो। परमाणु युद्ध। धरती पर मौजूद इस वक्त के सबसे बड़े खतरों में से एक है परमाणु युद्ध। ग्लोबल वार्मिंग को एक बड़े खतरे के तौर पर देखा जा रहा है। अगर तत्काल कदम नहीं उठाए गए तो ये इंसानों की जान ले लेगा और पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी।